Hello and welcome to 9D Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. आज हम बात करेंगे साल 2000 की जर्मन रोमांटिक फिल्म द प्रिंसेस एंड द वॉरियर की, जिसके डायरेक्टर हैं टॉम टाइकवर, जिन्होंने रन लोला रन, द इंटरनेशनल और हेवन जैसी फिल्में बनाई हैं। ये कहानी है सिसी नाम की एक नर्स की, जिसके एक एक्सीडेंट के बाद वो बोदो नाम के एक आदमी से मिलती है और उन दोनों की जिंदगी उस दिन के बाद बदलने लगती है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की को जो एक लेटर लिख रही है। उस लेटर को वो पोस्ट करती है जो जाता है एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में, जहां सिसी नाम की एक नर्स काम करती है। सिसी अपने पेशेंट्स का इस हद तक ध्यान रखती है कि वो पेशेंट्स उसकी फैमिली बन जाते हैं। और दूसरी ओर हम देखते हैं बोदो नाम के एक आदमी को जो उड़ना चाहता है और उसका मानना है कि वो जल्द ही उड़ने वाला है और आजाद होने वाला है। बोदो एक सोल्जर हुआ करता था जिसे एक फ्यूनरल होम में कॉफिन संभालने की नौकरी मिली है। उसे अपने इमोशंस कंट्रोल करना नहीं आता, जिसकी वजह से वो काम के वक्त रोने लगता है जबकि उसे रोना आता ही नहीं। फ्यूनरल के बाद उसका बॉस आकर उस पर चिल्लाता है और रोने की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। बोदो अपने बड़े भाई वॉल्टर के साथ रहता है, जो उसे कहता है कि वो लोग जल्द ही पैसा कमा लेंगे और उसे अपना एक प्लान बताता है। सिसी अपना ज्यादा वक्त हॉस्पिटल में ही बिताती है, जिस वजह से उसने बाहर की दुनिया कम देखी है। रात को अपने कमरे में जाकर सिसी वो चिट्ठी पढ़ती है जो उसकी दोस्त मिकी ने उसे लिखी थी। वो सिसी से मदद चाहती है क्योंकि कुछ वक्त पहले उसकी माँ की मौत हुई है, और क्योंकि मिकी दूर एक आइलैंड पर रहती है और वहाँ आ नहीं सकती, वो चाहती है कि सिसी बैंक जाए और कुछ पेपर्स दिखाकर बैंक से वो चीजें ले ले जो मिकी की माँ ने उसके लिए रखी थी, और जब वो शहर आएगी तो वो सिसी से वो सामान ले लेगी। अगले दिन बोदो एक दुकान से कुछ चीजें चुरा कर भागता है और कुछ लोग उसका पीछा करते हैं। भागते हुए वो एक ट्रक पर चढ़ता है, जिसकी वजह से ड्राइवर का ध्यान हटता है, और ध्यान हटने की वजह से उस ट्रक से सिसी का एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट की वजह से सिसी की सांसें अटकने लगती हैं। बोदो मौका देखकर बचने के लिए भीड़ के बीच घुसता है और छिपने के लिए ट्रक के नीचे जाता है। तब उसे सिसी दिखती है और उसकी मदद करने के लिए बोदो कुछ करने की कोशिश करता है। बोदो की वजह से सिसी फिर से सांस लेने लगती है और बोदो को रोता हुआ देखती है। वो नहीं जानती कि बोदो को रोना नहीं आता, और ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, और वो समझती है कि बोदो उसके लिए रो रहा था। सिसी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और बिना ये जाने कि वो आदमी कौन था, सिसी उससे अलग हो जाती है। वॉल्टर बोदो से कहता है कि उसे छोटी छोटी चोरी करने की जरूरत नहीं, और उसका प्लान तैयार है जिससे वो लोग सामने वाली बैंक में चोरी करके सिडनी चले जाएंगे। एक तरफ सिसी का ट्रीटमेंट चल रहा था और दूसरी तरफ बोदो और वॉल्टर चोरी की तैयारी कर रहे थे। 2 महीने बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने पर सिसी उसी आदमी के बारे में सोच रही थी, और वो फैसला करती है कि वो उस आदमी को ढूंढेगी जिसने उसकी जान बचाई है। अपने हॉस्पिटल वापस आने पर सिसी को देखकर हर कोई खुश होता है, पर सिसी को अब अपनी पुरानी जिंदगी में एडजस्ट करने में तकलीफ होने लगती है। बोदो को आदत है नींद में जलते हुए स्टव को गले लगाने की, और जब भी वो ऐसा करता है तो उसका भाई उसे नींद से जगाता है। सिसी बोदो को ढूंढने निकलती है और इसमें अपने पेशेंट की मदद लेती है जो देख नहीं सकता, और उस दिन सिसी के साथ था जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ। वो दोनों बोदो के दोस्त की दुकान में जाते हैं जहां से वो उस दिन भागकर आया था, पर वो उनसे कहता है कि वो उस आदमी को नहीं जानता। सिसी एक फोटो देखती है और उस आदमी से कहती है कि अगर उसने बोदो के बारे में उसे नहीं बताया तो वो उसके अंधे पेशेंट को मारने का इल्जाम उस पर लगा देगी, जिसके बाद उसे बोदो का एड्रेस मिल जाता है, और एड्रेस लेकर वो बोदो के घर पहुंच जाती है। पर उससे मिलने के बारे में जैसा सिसी ने सोचा था वैसा नहीं होता। जब सिसी उसे बताती है कि वो कौन है और कहती है कि वो उससे मिलना चाहती थी, तो बोदो कहता है कि वो उससे कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहता। ये सुनकर सर झुकाकर सिसी वहां से निकल जाती है और फिर से अपने हॉस्पिटल में वापस आ जाती है,
सिसी पहली बार अपने हॉस्पिटल से बाहर जाने का सोचने लगी थी और पहली बार वो किसी के साथ रहने का मन बना रही थी। इसीलिए वो आसानी से बोधो को छोड़ नहीं सकती थी। उसका मानना था कि बोधो और उसका मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था और यही बात वो बोधो को समझाना चाहती थी। रात को वो फिर से उसके घर जाती है जहाँ वॉल्टर उससे बात करने के लिए मान जाता है। वो उसे बताता है कि उसे बोधो के बारे में सोचना बंद करना चाहिए क्योंकि वो सिसी तो क्या किसी भी लड़की के साथ रहना नहीं चाहता। वॉल्टर उसे बताता है कि बोधो की पत्नी की मौत हो गई थी जब वो पेट्रोल पंप पर गाड़ी में पेट्रोल भर रही थी और उस वक्त बोधो वहाँ के बाथरूम में ही था। वो कभी कभी उसी पेट्रोल पंप के बाथरूम में जाता है इस उम्मीद से कि वो बाहर आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसे उसकी पत्नी जिंदा मिलेगी। वो आज भी अपनी पत्नी की मौत के सदमे से बाहर नहीं आ पाया है। तभी बोधो वहाँ आता है और सिसी उसे बताती है कि वो एक्सीडेंट के बाद से सिर्फ उसके बारे में सोच रही है। गुस्से में बोधो उसे घर से बाहर निकालता है और जब वो वहां से नहीं जाती तो उसे धक्का देकर जबरदस्ती भगाता है। हमें पता चलता है कि नींद में बोधो को उसकी पत्नी दिखती है और इसीलिए वो उस गर्म स्टव को अपनी पत्नी समझकर गले लगाता है। अगले दिन सिसी अपनी दोस्त मिक्की का काम करने बैंक जाती है और तब देखती है कि वॉल्टर उस बैंक में सिक्योरिटी का काम करता है। वॉल्टर और बोधो उसी वक्त चोरी करने की तैयारी कर रहे थे। बोधो मौका देखते ही बैंक में घुसता है और गन लेकर वॉल्टर के साथ उन्हें बेहोश करता है जो पैसे लेकर वहां आए थे। सिसी लॉकर खोल के वो लेती है जो मिक्की की माँ ने बैंक में रखवाया था और दूसरी ओर बेहोश हुए लोगों में से एक आदमी होश में आता है और अलार्म बटन पर गोली मारता है। बैंक से सारे लोग बाहर निकल जाते हैं सिवाय सिसी के। बोधो उस आदमी को तो संभाल लेता है मगर बैंक का दूसरा सिक्योरिटी गार्ड नीचे आता है और वॉल्टर पर गोली चलाता है। बिना कुछ सोचे समझे सिसी उन दोनों को बचाने आगे आती है। उस सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश करके बोधो सिसी की मदद से वॉल्टर को लेकर वहां से बाहर निकलता है। वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ इलाज के लिए डॉक्टर को बुलाने के लिए बोधो चिल्लाता है। तभी वॉल्टर बोधो को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि उसे बाथरूम से बाहर आना होगा, यानी अपने हेल्यूसिनेशन से बाहर आना होगा और अपनी पत्नी की मौत को एक्सेप्ट करना होगा। वॉल्टर को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है और सिसी और बोधो वहां से निकलते हैं और पुलिस से बचकर सिसी के हॉस्पिटल में पहुंचते हैं जहां बोधो सिसी के रूम में सो जाता है। अगले दिन बोधो कमरे से बाहर आता है और तब उसे पता चलता है कि वो एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में है। वो टीवी पर न्यूज देखता है जिसमें उसे उसके भाई के मौत की खबर मिलती है जिसकी वजह से वो अपना आपा खो देता है। बोधो को बेहोश करके एक रूम में रखा जाता है। शांत होने पर वो लोग उसे ऑफिस में लाते हैं जहां सिसी उससे कहती है कि उसे नाटक करना होगा और ये कहना होगा कि वो अपनी याददाश्त खो चुका है। बोधो से वहां का हेड डॉक्टर बात करता है और उसकी हालत देखकर उसे वही रखने का फैसला करता है और उसका इलाज किया जाता है। सिसी को भी समझ आता है कि बोधो तकलीफ में है और वो भी उसका ध्यान रखने लगती है। पहली बार बोधो सिसी से उसके बारे में पूछता है और तब उसे पता चलता है कि सिसी के बचपन में ही उसकी माँ गुजर चुकी थी और उन्होंने सुसाइड किया था और उसके पिता इसी हॉस्पिटल में एक पेशेंट है। सिसी अब सारे पेशेंट से परेशान होने लगी है और कुछ वक्त उनसे दूर रहना चाहती है। वो हर मिनट उन्हें संभाल संभाल कर थक चुकी है। सिसी की ये बात सुनकर ओटो वहाँ का वो पेशेंट जो हर वक्त उसके साथ रहता था कुछ ऐसा करता है जो देखकर सिसी को बहुत तकलीफ होती है। उस रात न्यूज देखने पर सिसी को पता चलता है कि उसे और बोधो को पुलिस ढूंढ रही है जिसके बाद वो बोधो से जाकर कहती है कि उसने वहाँ से भागने का फैसला कर लिया है। तब बोधो उसे बताता है कि उसकी पत्नी की मौत एक्सीडेंट नहीं थी, एक झगड़े के बाद जानबूझकर उसकी पत्नी ने अपने आप को मारा था। जिस वक्त बोधो और सिसी एक दूसरे से बात कर रहे थे ठीक उसी वक्त सिसी का वो पेशेंट जो उसे पसंद करता है पुलिस को फोन करके बोधो के बारे में बताता है। बोधो जब नहाने जाता है तब वो एक टोस्टर लेकर वहां आता है। साथ ही साथ हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि उस आदमी ने सिसी की माँ को मारा था और वैसे ही वो बोधो को मारना चाहता है, पर बोधो सही वक्त पर टोस्टर पकड़ लेता है और उसका पीछा करता है। जब बोधो यही बात सिसी को बताता है
तब सिसी को समझ आता है कि उसकी माँ की मौत कैसे हुई। उसी वक्त पुलिस वहाँ आती है और वो आदमी छत पर जाकर बैठ जाता है। सिसी और बोदो उसके पीछे जाते हैं और वो आदमी सिसी से कहता है कि वो बिल्डिंग से कूद जाएगा। सिसी जानती है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा और बोदो का हाथ थामकर वो बिल्डिंग से कूदने आगे जाती है और वो दोनों वहां से कूदते हैं एक तालाब में। हॉस्पिटल में काम कर रही सिसी की दोस्त उन दोनों की मदद करती है और वो दोनों मौका देखकर वहां से भाग निकलते हैं। अंत में वो दोनों उसी पेट्रोल पंप पर जाते हैं जहां बोदो की पत्नी की मौत हुई थी। पेट्रोल पंप के मालिक को पैसे देते वक्त बोदो वहां अपने आप को बाहर आते हुए देखता है और देखता है कि वो गाड़ी चलाने के लिए अंदर बैठा है। जो गाड़ी चला रहा है वो बोदो का अतीत है और उसकी वो पर्सनालिटी है जो अब भी बदली नहीं है, और जो पीछे बैठा है वो नया बोदो है जो बदल चुका है। नया बोदो अपनी पुरानी पर्सनालिटी की आंखें बंद करता है, जिसके बाद गाड़ी रुकती है और वो बाहर आकर उसे गाड़ी से निकालता है। इस सिंबॉलिक सीन का ये मतलब है कि बोदो अपनी जिंदगी की शुरुआत नए सिरे से कर रहा है और अपने आप को पूरी तरह बदल रहा है। वो प्यार के लिए तैयार है, अपने अतीत को पीछे छोड़ चुका है और सिसी के साथ अब खुश रहना चाहता है, और अब वो रोना नहीं चाहता। वो दोनों मिकी के पास जाते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी वही बिताने का फैसला करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।